परीक्षा बोर्ड का पेज नंबर 65 एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 11 कर दी। ठीक है, इसमें अक्सर बच्चे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, इसलिए आपको केयरफुली इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ये आपके मैट्रिक्स ए हो गया है ना, इसका हमें इनवर्स निकालना है। तो आपका गिवन दिया है ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट ए निकालना है। तो डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो 1 है ना, तो 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे, बचा क्या है 4 3 3 4 है ना, तो 1 इंटू 4 3 3 4 हो गया। फिर माइनस 3 इंटू इसको अपन फर्स्ट फर्स्ट रो को काट दिए और सेकेंड कॉलम को काट दिए, बचा क्या है 1 3 1 4 1 3 1 4। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू फर्स्ट रो को काट दी और थर्ड कॉलम को काट दी, बचा क्या 1 4 1 3 1 4 1 3। अब इसको हम इसको सॉल्व करेंगे, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 4 16 माइनस 3 3 9। ठीक है, 16 माइनस 9 ये आपका हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। ठीक है, अब इस सबको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, ये डिटरमिनेंट ए कितना आ गया, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1। ठीक है, अब अपने को निकालना है ए 1 1 है ना, तो एडजॉइंट ए 1 1 की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, यानी आपका क्या आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना। तो देखिए इसमें क्या है, ए 1 1 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो इस बचेगा क्या आपका, कितना आ जाएगा 4 3 3 4 है ना, 4 3 3 4 कितना आ जाएगा 6 4 4 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये 7 आ जाएगा। और साथ ही साथ हमें ये देखना है, साइन देखना है यहाँ पे है ना। साइन देखने के लिए क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड किए तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 है ना, तो कितना आ जाएगा 2, यानी इवन नंबर, यानी आपका प्लस लगेगा यहाँ पे है ना। एक्चुअली इसको देखते क्या है, माइनस 1 की पावर रो प्लस कॉलम है ना, तो हम डायरेक्ट इसको अगर ऐसे करने से आसान हो जाएगा, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको क्या है, दोनों को ऐड करने से आपका आ जाएगा 2, यानी इवन नंबर, यानी हम प्लस, इवन आने से हम प्लस रखेंगे और ऑड आने से माइनस रखेंगे। तो ए 1 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्लस 7। ठीक है, अब ए 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है ना, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अब बचेगा क्या 1 3 1 4। ठीक है, 1 3 1 4 और ये क्या है फर्स्ट रो और ये कॉलम 2 है, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 यानी 1 प्लस 2 यानी 3 और नंबर हो गया, यानी अपन यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगाने से क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 आपका प्लस 1 हो जाएगा और ये सामने माइनस होने से आपका माइनस 1 हो जाएगा, यानी ए 1 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ऐसे ही ए 1 3 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बचेगा क्या 1 4 1 3 है ना, 1 4 1 3 कितना आ जाएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा -1, ये दोनों को ऐड की तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 जो कि और इवन नंबर है, आपका प्लस आ जाएगा, यानी आपका इस जगह -1 आ गया। ठीक है, अब a21 कितना आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचेगा क्या इसको काटने के बाद, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को काटने के बाद बचेगा 3 3 3 4 है ना, तो 3 3 3 4 यानी 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा 12 माइनस 9 3 हो गया। अब इसका साइन देखते हैं तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 3 यानी और नंबर आपका आ गया माइनस। ठीक, अब देखिए a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बचेगा क्या 1 3 1 4। ठीक है, 1 3 1 4 तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, ऐड किए 2 2 को ऐड किए तो 4 आ गया, इवन नंबर जो कि आपका प्लस आ जाएगा यानी प्लस 1 हो गया। ऐसे ही आप
ए टू थ्री देखेंगे, ए थ्री वन देखेंगे, ए थ्री टू देखेंगे और ए थ्री थ्री, है ना। इन सबको हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ये आपका एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, जो अपन ने ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री रो वाइज था इसको हम कॉलम वाइज बना देंगे। तो आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा, यानी वैल्यूज कैसे लिखेंगे हम इसको, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 -1 -1, 7 -1 -1, ये कॉलम वाइज रहता है, ये सॉरी रो वाइज होता है, इसको हम कॉलम में बना देंगे तो ये आपका एडजॉइंट हो जाता है। तो आपका फर्स्ट कॉलम हो गया 7 -1 -1, सेकेंड कॉलम आ जाएगा आपका -3 1 0, -3 1 0, और लास्ट से आ जाएगा थर्ड कॉलम हो जाएगा आपका -3 0 1, -3 0 1। इस प्रकार से आपका एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई है, 1। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू आपकी ये हो गई है, डिटरमिनेंट ए आपका क्या है, -1 है, 1 है, सॉरी +1 है। तो अब ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/1, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। और किसे डिवाइड करेंगे, 1 से, क्योंकि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपकी 1 आ गई है, यानी एज इट इज रहेगा। तो आपका ए इनवर्स आ जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये आपका आंसर देगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जल्दी एग्जाम में पूछा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, ये देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग इनवर्सिबल मैट्रिक्स। आपका इक्वेशन दिया है x plus y plus z equals to 9, 2x plus 5y plus 7z equals to 52, और थर्ड इक्वेशन है 2x plus y minus z equals to 0। अब इसको हम निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होता है x equals to a inverse b। इसमें x क्या है, a क्या है, b क्या है, देखिए जो आपकी जो इक्वेशन है एक्स वाई जेड फॉर्म में है ना, तो यही है एक्स वाई जेड के कोफिशियंट को हम क्या बोलते हैं, ए निकालते हैं, है ना। तो आपका मैट्रिक्स ए क्या होता है, हो जाएगा इक्वेशन 1 का एक्स वाई जेड के कोफिशियंट क्या क्या है, 1 1 1। तो फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, 1 1 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x + y 5 + 7z, है ना, इक्वल टू 52। तो इसका एक्स वाई जेड के कोफिशियंट हो गया 2 5 7, तो आपका ये सेकेंड रो बन गया 2 5 7। और थर्ड इक्वेशन है आपका 2x + y - z, यानी थर्ड वो बन गया है 2 1 -1, 2 1 -1। तो आपका मैट्रिक्स ए आपका हो गया 1 1 1, 2 5 7, 2 1 -1। और एक्स क्या है, ये x y z के फॉर्म में है इक्वेशन है, तो आपका एक्स कैपिटल एक्स हो जाएगा मैट्रिक्स x y z। और बी क्या है, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उसको हम बी लिखते हैं, मैट्रिक्स बी। तो क्या हो जाएगी मैट्रिक्स बी का लाइन 52 0, ये आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा, ठीक है। अब इससे क्या है, एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, जब हम पिछले वाले क्वेश्चन को किए थे उसी प्रकार से करेंगे। तो ये आपका क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 1 2 5 7 2 1 -1, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1 × 5 7 1 - 1, है ना, फिर -1 × क्या हो जाएगा, 2 7 2 - 1, यानी आपका हो जाएगा -2 - 1, ठीक है। अब इसको अपन इसको डिटरमिनेंट्स ए तो आपको सॉल्व करना आती है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया। तो 1 × -5 - 7 - 1 × -2 - 14 प्लस 1 × 2 - 10, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब इसको देखिए, ये आपका हो जाएगा 1 × - ये आपका 12 हो जाएगा, तो -12 -1 × कितना आ जाएगा, -16, है ना। और ये आपका ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +16। और ये आपका है यहाँ पे +1 × 2 - 10, 2 - 10 यानी -8 × 1 हो जाएगा -8। ये सब पूरे को सॉल्व किए, -12 +16
माइनस एट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस फोर, यानी डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू क्या है, माइनस फोर हो गया, जो कि आपका जीरो नहीं है, है ना। तो अब इसको हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री की वैल्यू निकालना है ना। यानी एडजॉइंट ए वन वन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वन वन इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे, मैंने अभी बताया था ना, रो और कॉलम की जो एलिमेंट्स है ना, मतलब पोजिशन जो रहती है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये दोनों को ऐड करते हैं, यानी आई प्लस जे होता है माइनस वन की पावर, अगर ये क्या है इवन आती है तो प्लस, अगर ऑड आती है तो माइनस होता है। तो देखो ए वन वन निकालने तो क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर वन प्लस वन, यानी टू, यानी आपका प्लस आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ए वन वन, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका मैट्रिक्स ए है, ए वन वन यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दो, कितना बचेगा फाइव सेवन वन माइनस वन, है ना, फाइव सेवन वन माइनस वन कितना आ जाएगा, फाइव इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस फाइव, माइनस वन इंटू सेवन यानी माइनस सेवन, कितना आ जाएगा माइनस फाइव माइनस सेवन इक्वल टू हो जाएगा माइनस ट्वेल्व। तो एडजॉइंट ए वन वन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ट्वेल्व। अब देखिए एडजॉइंट ए वन टू यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बचेगा क्या, टू सेवन टू माइनस वन, टू सेवन टू माइनस वन, है ना। और यहाँ पे इसको माइनस वन की पावर क्या है, आई प्लस जे, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एड किए तो फिर आ जाएगा आपका आ गया माइनस, और नंबर यानी माइनस, है ना। तो कितना आ जाएगा टू इंटू माइनस वन, कितना आ जाएगा माइनस टू, माइनस टू इंटू सेवन यानी आपका हो जाएगा फोर्टीन, है ना। तो इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया माइनस सिक्सटीन और ये सामने माइनस है तो प्लस सिक्सटीन, ठीक है। ए वन थ्री यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो बचेगा क्या, टू फाइव टू वन, टू फाइव टू वन, है ना। और यहाँ पे अपन साइन कैसे देखेंगे, वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा, फोर यानी आपका प्लस साइन यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा टू इंटू वन, कितना हो जाएगा टू माइनस टू फाइव जो टेन, टू माइनस टेन यानी माइनस एट आ गया, इसकी वैल्यू एडजॉइंट ए वन थ्री की वैल्यू। अब देखिए एडजॉइंट ए टू वन, ए टू वन कैसे लेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बचेगा क्या, वन 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 माइनस वन, वन 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 माइनस कितना हो जाएगा, अब देखिए इसका पहले साइन देख लेते हैं, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा आपको माइनस, ये इजी होता है देखना, है ना। तो कितना हो जाएगा वन इंटू माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये आपका हो गया माइनस टू हो जाएगा और सामने माइनस है तो प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। यही साइन देखने में आपको बहुत गलती करते हैं, ये कहाँ पे प्लस कब लगेगा कब माइनस लगेगा, इसी को करने में आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण आपका नंबर बन जाता है ना। अब देखिए ए टू टू देखेंगे, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बचेगा क्या, वन वन टू माइनस वन, वन वन टू माइनस वन, और साइन कैसे देखेंगे, टू टू यानी फोर प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, वन इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस वन, माइनस टू इंटू वन कितना हो जाएगा टू, है ना। तो माइनस वन माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस टू। अब देखिए एट टू थ्री यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम बचेगा क्या, वन वन टू वन, वन वन टू वन, ठीक है। अब साइन कैसे देखेंगे, टू प्लस थ्री फाइव यानी माइनस वन, है ना। तो कितना आ जाएगा, वन माइनस टू यानी माइनस वन और सामने प्लस है, सॉरी माइनस है, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है। तो ए टू थ्री की वैल्यू हो गई वन। अब ए थ्री वन निकालना है, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आ जाएगा, वन वन फाइव सेवन, वन वन फाइव सेवन, ठीक है। और साइन कैसे देखेंगे, थ्री प्लस वन फोर यानी प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वन इंटू सेवन सेवन माइनस फाइव, है ना। तो कितना आ जाएगा, टू प्लस टू आपका आ गया, ए थ्री वन कितना हो जाएगा टू। अब ए थ्री टू देखो, यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम बचेगा क्या, वन वन टू सेवन, वन 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 टू सेवन, साइन कैसे देखेंगे, थ्री प्लस टू फाइव यानी माइनस लग गया, ये आपका माइनस लग गया। तो वन सेवन जो सेवन माइनस टू, टेन माइनस टू आपका आ गया फाइव, सामने माइनस है तो माइनस फाइव,
यानी A32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। अब देखिए A33 की वैल्यू यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम बचेगा क्या, 1125, 1125। ठीक है, साइन कैसे देखेंगे, 3 + 3 यानी 6 है ना, ये अपन ऐसे देख सकते हैं -1 की पावर 3 + 3, i + j, ये i होता है और ये j होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 6, 6 यानी इवन नंबर, और आपका आ जाएगा प्लस यानी 1 × 5 कितना आ जाएगा 5, 1 × 2 है ना, ये 2 × 1 हो जाएगा 2, 5 - 2 आपका हो गया 3। तो इस प्रकार से आपका A33 की वैल्यू हो गई 3। तो इस प्रकार से आपका ये A11, A21, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 निकल गया है ना, यानी अब इसको क्या एडजॉइंट करने के लिए, तो एडजॉइंट A क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज लिखेंगे क्या हो जाएगा, -12, 16, -8, -12, 16, -8। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2 - 3 1, 2 - 3 1, और थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 - 5 3, 2 - 5 3। तो इस प्रकार से ये आपका एडजॉइंट ए हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है ए इनवर्स बी। ठीक है, तो ए इनवर्स बी इक्वल्स टू हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ए। हाँ ठीक है, और डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू अपन की कितनी आई है, -4 है ना, तो हो जाएगा ये -1/4 हो गया, ये आपका डिटरमिनेंट ये एडजॉइंट ए हो गया, जो कि अपन ने ये निकाला था ना -12, 2, 2 या पर दो है फर्स्ट रो, सेकेंड रो है 16 - 3 - 5, 16 - 3 - 5, थर्ड रो है -8, 1, 3, -8, 1, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, ए इनवर्स इंटू बी है ना, तो आपका इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट से हो गया। अब ए इनवर्स बी निकालना है, तो बी मैट्रिक्स बी से क्या करेंगे अपन, इंटू कर देंगे। ठीक है, ये अपना इंटू करेंगे है ना, तो एक्स की वैल्यू हमको क्या निकालना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग इनवर्सिबल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका है, हमने ये मैट्रिक्स भी है, मैट्रिक्स भी कैसे निकला था, जो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो आपका मैट्रिक्स भी होता है। मैट्रिक्स ए क्या होता है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट होते हैं उसी से आपका मैट्रिक्स भी बनता है, और ये एक्स वाई जेड फॉर्म है, इसके कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स वाई जेड, और कैपिटल बी क्या है आपका राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट टर्म 9 50 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हाँ अक्सर पूछा जाता है। तो एक्स इक्वल्स टू, अब क्या है, हमने क्या निकाला था, ए इनवर्स बी की वैल्यू, ए इनवर्स बी क्या क्या हो गया, -1 × -12, 2 × 2, 16 - 3 - 5 - 8, 1, 3 इंटू, ये आपका मैट्रिक्स बी है, क्या है, 9 50 0, 9 50 0। अब ये दोनों को क्या करेंगे, इंटू करेंगे, इंटू कैसे करेंगे अपन, है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ एलिमेंट के साथ, ठीक है, फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो का इस कॉलम के साथ। ठीक है, ये इंटू करेंगे तो इंटू कैसे होगा, देखो -12 × 9, 2 × 52, 2 × 0। ठीक है, फिर 16 × 9, -3 × 52, -5 × 0, फिर -8 × 9, 1 × 52, 3 × 0 है ना, तो ये इंटू करने से आपका देखो ये आया, है ना, ये इंटू किए तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हमको निकालना है ना, ये आपको क्या है, ये देखो कैपिटल एक्स की वैल्यू ये हो गई है, इंटू करने से आपका ये आ गया है ना, इंटू किए तो कितना आ जाएगा, ये एक्स वाई जेड है आपका -1/4, ये आपको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, कितना, -4, -12, -2, ये इसको सबको हमने सॉल्व किया है, -108 + 104 माइनस के तो -4 आ गया, 144 - 156 के तो -12 आ गया, -72 + 52 किए तो आपका कितना हो गया, -20। ठीक है, तो इसको देखो अब इसको 4 से क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड करेंगे, एक तो ये माइनस भी साइन है और ये माइनस है, यानी सबके साइन चेंज हो जाएंगे है ना, सब क्या है नेगेटिव नेगेटिव है तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, 4 से डिवाइड किए तो आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 4
से अपन डिवाइड करेंगे तो माइनस 20 है तो आपका आ जाएगा 5, है ना। तो आपका हो जाएगा 135, है ना। यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 और जेड की वैल्यू हो जाएगी 5। यानी ऊपर वाला सबसे पहले टॉप में एक्स, फिर वाई, फिर जेड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी थी और इस प्रकार से हमने सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये जनरली आता है क्वेश्चन और अक्सर आप लोग से गलती बहुत हो जाती है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से बताया। आप लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो, किसी को कोई डाउट है? चलिए आज अपन यही करते हैं। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक क्लासेस।